हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको जेट इंडेक्स प्रॉपर्टी के बारे में पूरी डिटेल्स बताई थी। अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसको चेक कर सकते हैं। आज बेसिकली मैं आपको कॉम्बिनेटर प्रॉपर्टी के बारे में पूरा डिटेल्स बताऊंगा कि सीएसएस में कॉम्बिनेटर प्रॉपर्टी किस तरीके से वर्क करती है और उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। इस तरीके से गाइस पूरा सीएसएस हम कवर करने वाले हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं अभिनव कुमार, आपका टेक्निकल कोच, जहां मैं बात करता हूं सिर्फ आईटी के बारे में। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको जेट इंडेक्स प्रॉपर्टी के बारे में पूरी डिटेल्स बताई थी। अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसको चेक कर सकते हैं। आज बेसिकली मैं आपको सीएसएस की कॉम्बिनेटर प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल्स बताने वाला हूँ, जिसके अंदर हम काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत कॉमन सीएसएस हम इसके थ्रू लगा सकते हैं, तो इसके बारे में पूरी डिटेल्स बताऊंगा। ठीक है, इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का इस हमारी 17 नंबर क्लास है, तो वही सेम प्रोसीजर से पेज को 17.html से सेव एज कर लेते हैं पहले। तो कंट्रोल एन से मैं नया पेज ले लिया और पेज को मैं सेव एज कर रहा हूँ। सबसे पहले सेम लोकेशन है डेस्कटॉप के अंदर, मेरा html फोल्डर है उसमें सीएसएस है, लोकेशन सेम ही रखनी है। 17.html पेज को मैंने सेव एज कर लिया। पेज को थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, बेसिक स्ट्रक्चर लिख देते हैं html। टाइटल डाल देता हूँ जो आज हम पढ़ने वाले हैं, बेसिकली सीएसएस कॉम्बिनेटर। और बॉडी स्टार्ट कर लेते हैं, बॉडी टैग क्लोज कर दिया। बेसिकली सीएसएस कॉम्बिनेटर्स होते क्या है। सीएसएस कॉम्बिनेटर बेसिकली सीएसएस में जो बनाए गए हैं वो चार कंडीशंस है। मींस जब आपको अपने वेब पेज पर कोई जनरल आपको कोई भी इफेक्ट लगाना होता है सीएसएस का, जनरल इन द सेंस जैसे आप चाहते हो कि आप कोई भी टैग जब बनाओ तो उसके अंदर आप कोई भी टैग बना रहे हो, सब टैग मीन्स उस पर इफेक्ट आए, और ऐसा आप पूरे पेज के लिए कॉमन रूल बनाना चाहते हो तो वो कॉम्बिनेटर्स में आ जाता है, जिसको हम चार उसमें कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। उन चार कैटेगरीज को हम बेसिकली कॉम्बिनेटर्स बोलते हैं। तो मैं उस चारों के नाम लिख देता हूँ और फिर चारों के बारे में एक एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो हमारी जो सीएसएस की कॉम्बिनेटर है, पहले मैं कमेंट में डाल देता हूँ। सीएसएस कॉम्बिनेटर हमारे चार होते हैं। जो पहला होता है गाइस हमारा, उसके अंदर वेर उसको बोलते हैं डिसेंडेंट सिलेक्टर, क्योंकि ये सिलेक्टर सी है जैसे हमारे आईडी क्लास होते हैं, बट ये जनरल होते हैं, मीन्स एलिमेंट टाइप में लगा सकते हैं आप इसको। तो इसके जो रूल है वो डिसेंडेंट सिलेक्टर है, इसलिए सिलेक्टर ही बोल रहे हैं इसको भी। तो लेकिन बेसिकली इन सबको कॉम्बिनेटर्स बोला जाता है। डिसेंडेंट सिलेक्टर बेसिकली जो हम बोलते हैं उसको हम स्पेस से डिनोट करेंगे। मैं इसमें लिख देता हूँ स्पेस से डिनोट होता है ये। स्पेस में जहाँ दो टैग के बीच में स्पेस आएगा उसको हम डिसेंडेंट सिलेक्टर बोलते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे हम लोग चाइल्ड सिलेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। चाइल्ड सिलेक्टर मीन्स जो डायरेक्ट आपके जो टैग आ जाते हैं उनको हम चाइल्ड सिलेक्टर बोलते हैं, जिसको हम एक तरीके से ग्रेटर देन सिंबल से डिनोट करते हैं। और उसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे आपका एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर आएगा, जिसको हम बेसिकली प्लस से डिनोट करते हैं। और लास्ट में आपका जो पड़ेगी हम लोग जनरल सिबलिंग सिलेक्टर, जिसको हम एक एक टिल्ड का साइन जो होता है उससे डिनोट करते हैं। तो बेसिकली चार कॉम्बिनेटर है ये सीएसएस की, चार सिलेक्टर ही होते हैं जो कंडीशन हम वेब पेज पर लगा सकते हैं। अब हम इन चारों का प्रैक्टिकल यूज करके देखते हैं गाइस। गाइस, जो पहला आपका कॉम्बिनेटर होता है डिसेंडेंट सिलेक्टर, जिसको हम स्पेस से डिनोट करते हैं, बेसिकली ये क्या है मैं आपको इसको प्रैक्टिकल वे से एक बार टैग पे लगा के दिखाता हूँ, तब आपको थोड़ा क्लियर होगा कि किस तरीके से वर्क कर रहा है आपका डिसेंडेंट सिलेक्टर। फॉर एग्जांपल मैंने एक डिव टैग ले लिया और डिव टैग को क्लोज कर दिया, और इसके अंदर मैंने एक पैराग्राफ टैग लिया, लिखा दिस इज पैराग्राफ वन, और ये वाला पैराग्राफ मैंने कर दिया क्लोज। एक और पैराग्राफ ले लेते हैं, दिस इज पैराग्राफ टू, एक और ले लेते हैं दिस इज पैराग्राफ थ्री। इस तरीके से मैंने आपका बेसिक सा एक डिव टैग लिया और उसके अंदर तीन पैराग्राफ टैग लगा लिए।
पहले मैं इस पेज को एक बार चला के दिखा देता हूँ। अभी हमने कोई सीएसएस नहीं लगाई है, अभी हम लगाएंगे 17.html से है। तो पेज को एक बार हमने रन कर लिया है, तो इसमें भी इस तरीके से ये नॉर्मल भी आ रहे हैं जैसे आते हैं। अब मैं इसके अंदर जो है हमारा कॉम्बिनेटर है, जो हम पढ़ रहे हैं बेसिकली डिसेंडेंट सिलेक्टर जिसको हम स्पेस से डिनोट करते हैं, इसके बारे में ये लगा के दिखा रहा हूँ कैसे काम करता है। तो उसके लिए वही स्टाइल बना लेते हैं, इंटरनल सीएसएस लगाएंगे और यहाँ पर आके मैं अब वो डिसेंडेंट सिलेक्टर देखिए कैसे यूज़ करूँगा। मैं एक रूल बना रहा हूँ लाइक ऐसे डिव, एक एलिमेंट सिलेक्टर में यूज़ कर रहा हूँ गाइस, इसके अंदर मींस डिव एक टैग है तो एलिमेंट सिलेक्टर हो गया। फिर मैंने स्पेस डाला और इसमें मैंने पी लिखा, तो आपका इस तरीके से मैंने यहाँ पर अब मैं जो सीएसएस लिखूंगा मींस ये जो स्पेसिफाई किया गया है डिव स्पेस पी, मतलब कोई भी दो टैग हो सकती है, ये दो क्लास हो सकती है, आईडी हो सकती है, आईडी क्लास हो सकती है। रूल सिंपल सा ये है कि आपका मतलब उन पैराग्राफ पर इफेक्ट आएगा जो भी मैं यहाँ लिखूंगा, जो डिव के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अंदर होने चाहिए। मतलब ये कहता है स्पेस वाला डिसेंडेंट सिलेक्टर वाला बेसिकली कि आपका टैग पे इफेक्ट आएगा चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। इसको हम सिंपली ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे मान के चलिए जो सेकंड पैराग्राफ है, मान के चलिए मैंने उसको स्पैन टैग के अंदर रख दिया, ये मैंने स्पैन टैग के अंदर इस तरीके से रख दिया। तो मीन्स डिफ के अंदर तीन पैराग्राफ तो है लेकिन फर्स्ट और थर्ड वाला पैराग्राफ डायरेक्ट पैराग्राफ बोले जाएंगे और जो सेकंड पैराग्राफ है वो इनडायरेक्ट बोला जाएगा क्योंकि वो एक स्पैन टैग के अंदर आ गया है, मीन्स वो डायरेक्ट डिफ के अंदर नहीं है। बट आपका जो ये रूल होता है डिसेंडेंट सिलेक्टर के लिए वो सिंपल ये कहता है इफेक्ट आएगा उस पर, इफेक्ट आएगा डायरेक्ट वालों पे भी प्लस इनडायरेक्ट वालों पे भी। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, याद रखने का तरीका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों पे ये इफेक्ट पे काम करता है। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्यों दो वर्ड में यूज करूंगा इसे आपको अभी दूसरे वाले कॉम्बिनेटर में समझ में आ जाएगा। मैंने अभी डिव स्पेस पी लगाया, मतलब उन पैराग्राफ पे इफेक्ट आएगा जो भी मैं लिखूंगा, जो डिव के अंदर हो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो दोनों पे आएगा। लाइक मैं लगा के दिखाता हूँ, जैसे मैंने बैकग्राउंड कलर लिखा, बैकग्राउंड कलर येलो और कलर कर दिया आपका रेड, मीन्स इस वाले वेब पेज पर जितने भी पैराग्राफ है बट वो डिव के अंदर होने चाहिए। रूल ये है अगर मैंने कोई पैराग्राफ ऐसा एक बना दिया, मैं डिव से बाहर बना देता हूँ, दिस इज आउटसाइड पैराग्राफ, लाइक वो डिव के अंदर नहीं है, मीन्स इस वाले पैराग्राफ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि रूल ये कह रहा है कि उन पैराग्राफ पे इफेक्ट आएगा जो डिव के अंदर होने चाहिए चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। एक बार अब इसको चेक करते हैं, अब मैं इसको एक बार गाइस रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से इफेक्ट आ रहा है। देखिए आपका जो मैंने इफेक्ट लगाया बैकग्राउंड येलो और फॉन्ट कलर रेड लगाया वो उन फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पैराग्राफ पे आ रहा है क्योंकि तीनों पैराग्राफ डिव के अंदर है। वो सेकंड पैराग्राफ बल्कि इनडायरेक्ट था क्योंकि बीच में मैंने स्पैन टैग भी लगा दिया, बट फिर भी क्योंकि डेफिनेशन यही होती है डिसेंडेंट सिलेक्टर की डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों पे लेता है, बट जो डिप से बाहर है लाइक फर्स्ट आउटसाइड वाला पैराग्राफ जो मैंने अभी सिलेक्ट किया उस पर इफेक्ट नहीं आ रहा क्योंकि वो हमारे कॉमन रूल में नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिसेंडेंट सिलेक्टर। आपको ध्यान रखना है कॉम्बिनेटर्स जो आपके सिलेक्टर है वो कोई भी आईडी क्लास आपका कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पर एलिमेंट सिलेक्टर यूज कर रहा हूँ, इस बात का आपको ध्यान रखना है, मीन्स ये क्लासेस भी हो सकती है, आईडी भी हो सकती है, आईडी क्लास भी हो सकती है, जो रूल आप बनाओगे वो चीज। मेन कहने का मतलब है कि आपके लास्ट वाले टैग पर इफेक्ट आता है चाहे वो पैराग्राफ हो, आईडी हो, क्लास हो, बट वो उस रूल के अंदर होना चाहिए और डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो दोनों में चलेगा। अब मैं दूसरे कॉम्बिनेटर की बात करता हूँ जो हमारा चाइल्ड सिलेक्टर है। चाइल्ड सिलेक्टर किस तरीके से काम कर रहा है एक बार उसको भी हम लगा के देख लेते हैं। अगर मैंने गाइस इसके अंदर लाइक चाइल्ड सिलेक्टर में हमारा जो होता है आपका ग्रेटर देन सिंबल होता है, मैं इसी को कन्वर्ट कर रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो जाए। मैंने डिव आपका ये ऑपरेटर डाल दिया और इस तरीके से ये हमारा बेसिकली आपका ये जो होता है चाइल्ड सिलेक्टर का होता है। मतलब चाइल्ड सिलेक्टर कहता है कि जो इफेक्ट आएगा वो आपका सिर्फ ओनली डायरेक्ट वालों पे आएगा। मीन अभी मेरे इस वाले डिप के अंदर डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी, मीन जो मेरा इफेक्ट आएगा बाहर वालों पे तो आएगा ही नहीं, मीन्स फर्स्ट वाले पैराग्राफ पे तो आएगा ही नहीं, जो डिप के अंदर है पहला पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ सिर्फ उस पर ही इफेक्ट आएगा। एक बार चेक करते हैं तो देखिए गाइस बाहर वाले पे तो आया ही नहीं, जो फर्स्ट और थर्ड पैराग्राफ है उस पे ही हमारा इफेक्ट आ रहा है, सेकंड पे नहीं आया क्योंकि सेकंड वाला पैराग्राफ जो मेरा है वो एक तरीके से इनडायरेक्ट आ गया। इनडायरेक्ट पे जो प्लस वाला होता है जो हमारा चाइल्ड सिलेक्टर है बेसिकली
जो ग्रेटर देन सिंबल से डिनोट होता है वो आपका इसमें इफेक्ट नहीं करता है, तो इसको हम चाइल्ड सिलेक्टर बोलते हैं, इसलिए इसने लिखा है डायरेक्ट, ओनली डायरेक्ट, डायरेक्ट वालों पे ही इफेक्ट लेता है। अब गाइस जो हमारा है तीसरा है एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर। एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर बेसिकली क्या कहता है कि वो जो इफेक्ट देगा लाइक डिप प्लस पी मैंने लिखा, उस पैराग्राफ पर इफेक्ट आएगा जो डिप के बाद पहला है, मीन्स डिप के बाद फर्स्ट हो, उससे बाहर की बात होती है, अंदर की बात नहीं होती इसमें, इसे मैं लिख दिया ओनली फर्स्ट, फर्स्ट वाले पे इफेक्ट आएगा आउट फ्रॉम द फर्स्ट टैग, मतलब फर्स्ट टैग जो फर्स्ट टैग मतलब डिव है, उसके बाद जो पहला पैराग्राफ मिलेगा उस पे आएगा। मेरे पहले पैराग्राफ कोई भी नहीं है तो मैं इस पे एक बार लगा देता हूँ, दिस इज आउट फ्रॉम डिव टैग लाइक, इस तरीके से मैंने लिख दिया। तो अब जो मेरा इफेक्ट आएगा डिप के खत्म होने, डिप मेरा खत्म जस्ट यहाँ हुआ, तो उसके बाद पहला पैराग्राफ ये वाला मिल रहा है, तो आपका जो प्लस कहता है मीन्स डिप के बाद जो फर्स्ट पैराग्राफ आता है उस पे ही आएगा, बाकी पैराग्राफ पे नहीं आएगा। मैं एक और पैराग्राफ लगा देता हूँ आपको समझाने के लिए, लाइक मैंने एक और किया आउट वन, लाइक लिख देता हूँ जिससे डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, आउट टू, एक बार आप चेक करते हैं, रिफ्रेश किया तो अब आप देखिए ये तीन पैराग्राफ तो डिप में थे, उसके बाद जो फर्स्ट पैराग्राफ है जो दिस इज आउट वन फ्रॉम द डिप टैग और आउट टू, उस पर नहीं आया, सिर्फ फर्स्ट वाले पे आया, क्योंकि प्लस का रूल यही होता है, आप ये याद रख सकते हैं कि इस वाले फर्स्ट वाले टैग के बाद जो पहला पैराग्राफ उसको मिलेगा उस पर इफेक्ट आएगा। इसको बेसिकली हम एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर बोलते हैं, ठीक है गाइस। अब हमारा जो लास्ट है जनरल सिबलिंग सिलेक्टर, जनरल सिबलिंग सिलेक्टर जो टिल्ड का साइन होता है इससे डिनोट किया जाता है, ये बेसिकली क्या कहता है लाइक मैं प्लस को आपका कन्वर्ट कर देता हूँ टिल्ड में, उन पैराग्राफ पर इफेक्ट आएगा जो डिप के आपके बाद होने चाहिए और बाहर हो, जितने भी उसके बाहर हो, मीन्स आपका जो तीसरा नंबर का एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर प्लस वाला था उसने कहा था डिप के बाद जो फर्स्ट होगा, ये कह रहा है डिप के बाद आपके जितने भी बाहर होंगे सब पर आएगा। अब मेरे डिप के बाद जो है मतलब बाद में, ये भी ध्यान रखना कि बाहर तो ये फर्स्ट वाला भी है लेकिन बाद में भी होता है इसमें, तो मीन्स आफ्टर फर्स्ट टैग इफेक्ट ऑल, मतलब आपके फर्स्ट टैग जो होता है मीन्स जो मेरा फर्स्ट डिव है उसके बाद जो पैराग्राफ मिलेगी वो सब पे आएगा, मीन्स उसके केस में मेरे ये दो टैग बन रहे हैं, ये दिस इज आउट वन फ्रॉम द डिव टैग, दिस इज आउट टू, इन दोनों पे इफेक्ट आना चाहिए टिल्ड का, मतलब सिंपल सा ये है। रिफ्रेश करते हैं तो आप देखोगे फर्स्ट और सेकेंड दोनों पे आया। तो बेसिकली गाइस ये हमारे कॉम्बिनेटर है जो चार कंडीशंस होती है सीएसएस में, जो आप जनरली किसी भी आईडी क्लास ये रूल्स जनरली हम बना के लगा सकते हैं अपने हिसाब से। आई थिंक गाइस आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि कॉम्बिनेटर कैसे काम कर रहे हैं। अगर कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो गाइस इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अच्छी लगे तो आगे शेयर कर दीजिएगा, अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कर दीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए गाइस प्रैक्टिस कीजिए, आज के लिए इतना ही, ओके बाय बाय।